मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए, मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं, जो कोर्ट्स पर यकीन करते हैं, जो संविधान पर यकीन करते हैं, वो आज अपने आप को कल की इस दरिंदगी और बेदर्दी के साथ जिन लोगों को मारा गया जो जुडिशियल कस्टडी में थे, उन पर कन्विक्शन हो गया था, उनको अदालत से वो जेल से लाया जा रहा था किसी और एक और केस में इंट्रोगेशन करने के बाद, तो उसको आप जुडिशियल कस्टडी भी बोलेंगे, पुलिस कस्टडी बोल सकते हैं, मगर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर वो भारत का नागरिक जो अपने आप को अपने मुल्क पर फख्र करता है इसलिए कि यहां पर संविधान है, कोर्ट्स है, उसको इस बात का फख्र है कि पाकिस्तान से एक आतंकवादी आकर भारत के नागरिक को जान लिया था तो हमने उस पर कोर्ट में केस चलाकर उसको सजा दी, आज वो सब लोग कमजोर और अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं, वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहे हैं। कल का जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठे हुए हैं उनमें राय बराबर भी, जो अंग्रेजी का वर्ड है ना कंपैशन है, ना उनमें ह्यूमैनिटी है, ना उनमें रहम है, ना उनमें इंसानियत है। ये जो कल का वाकया हुआ, आप बताइए मेरे को, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाकर फौरन किसी को गोली मार दिया, आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखो, आप जिस तरीके से वो लोग आए और उनका हाथ स्टिल है एकदम, मुझे भी वेपन चलाना आता है, मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लिया हूं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और जिस तरीके से मार रहे वो लोग, उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है, उनकी आंख उस पर है, उन लोगों पर है, उनको मालूम था कि पहले कहां पर किस जगह पर मारना, तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और ये लोग प्रोफेशनल हैं। और कितना इसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार का इसमें रोल है, कितना इसमें ये कौन लोग हैं जो जाकर पुलिस की मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में, बल्कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, वो इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। तो ये इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता हूं, प्लीड करता हूं, क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में हैं और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे, तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड तरीके से उनको टाइम दिया जाए, और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऑफिसर ना हो, एक टाइम बाउंड तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे, और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए। क्योंकि ये बात मैं कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये लोग सिर्फ उठकर आए, कौन इनको बोला वहां पर, इनका बैकग्राउंड क्या है,
और कैसे वो लोग इस तरह घुस गए वहां पर और क्यों पुलिस ने उनको रोका नहीं।